मैं पिछले साल की अपेक्षा बात करूं तो मौसम लगातार बदलता जा रहा है यहाँ पे, और पता नहीं क्या प्रकृति ने ये ठहराया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो दोस्तों आज कराते हैं आपको ऋषिकेश की सैर, निकलते हैं घर से। हाँ हाँ दोस्त, चल ठीक है ओके। दोस्तों मैं पहुँचा हूँ रिवर साइड में, ये देखिए ये हमारे यहाँ की रिवर है। ये तो पहाड़ है, यहाँ तो कभी धूप तो कभी छांव, ऐसे ही चल रहा है। और न जाने अभी 20 मिनट पहले धूप थी तो फिर अब लग रहा है कि बारिश आने पर होगी। दिखाता हूँ मैं आपको आज का मौसम, ये देखिए बादल आपको दिख रहे होंगे। ये पहाड़ है जी, यहाँ का मौसम बदल जाए कुछ पता नहीं। बढ़िया सर क्या हाल है? बस क्या सुनाए सर, फिलहाल मैं अभी घर से निकला हूँ ऋषिकेश की तरफ। बोला धनी भाई यार तुम तो बहुत बदल गए यार, तुमने तो घर वर बना लिया यार, अरे तुम तो गाड़ी भी ले लिए। ले गोड़ है भाई। नमस्कार ले तो बड़ी कहाँ जी है शाबाश। तो दोस्तों ये था जंगलों वाला रास्ता, यानी कि ये है जंगलों वाला रास्ता और इससे होके भी जाना पड़ता हमें, और पहाड़ी जीवन ही ऐसा है क्या करें। और थोड़ा तेज स्पीड से जाना होगा क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, और पेड़ों के आसपास बारिश का होना बड़ा खतरनाक होता है। एक तो हवा आती, हवा आने से पेड़ गिरते हैं, ऊपर से बारिश तो डबल चांस हो जाता है, तीसरा ऊपर से बादल का गरजना, चौथा बादल का फटना, मतलब कहने का मतलब मैनी प्रॉब्लम। तो भाई ये पहाड़ है, पहाड़ हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरा रहता है, बट सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर करके बस एक ही चीज़ ध्यान देते हैं कि हमारा पहाड़ एकदम बेस्ट। दोस्तों ये है नहर का रास्ता और ऊपर से बादल गरजना शुरू हो गया, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा भागने की ताकि मैं टाइम से सड़क पर पहुँच जाऊँ, और फिर इतनी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल बरसात है तो बहुत डर लगता है। रास्ते भी दिखा देते हैं, ये देखिए तो ये रास्ते हैं, लगभग मैं 1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ, 1.5 किलोमीटर समथिंग और है भी। रिस्क से ना तुम हैं, अरे बाप रे, ये भी जहरा है, तुम भी जहरा ये तब खाने लग कुरकर है, ये बार तुम भी जहरा। आराम से। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रोड साइड पर, और ये देखिए ये है मेरी बाइक लगी हुई, ये पिछले 7 दिन से है भाई, तो ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग इन जंगलों के बीच में ना, ये देखिए ऐसे छोड़ देते हैं, पर भगवान की दया से यहाँ पे चोरी चकोरी कुछ नहीं होती है। तो दोस्तों मैं डाक लेने भी आया था, और ये है एटीएम, जो एटीएम की डेट थी वो हो गई ख़त्म। ये होते हैं पहाड़ी भूटिया, देखिए कैसे इसने लंगूर को पकड़ के उसको खा रहा है, जिंदा खा गया उसको, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे एक टी पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे दुकान खुली होती। दोस्तों देखिए हर जगह पानी सड़कों पे, ये देखिए। तो आजकल पहाड़ों में इतनी बारिश से हो रही है कि हर जगह आपको जेसीबी मिलेंगी हर जगह, देखिए इधर खूब झमाझम बारिश हुई है, मुझे लग रहा है शायद अभी भी ना हो कहीं आगे। चलो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आपको दर्शन कराते हैं माँ गंगा के, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पर पानी, ऊपर साइड में बारिश नहीं हुई थी जब मैं घर से चला था, तो काफ़ी सारी बारिश होने की पूरी उम्मीद थी, और हल्की हुई भी थी, बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे बीच में कहीं पे बारिश नहीं थी। ये देखिए दोस्तों, आपने गरुड़ भगवान तो सुना होगा, पर गरुड़ भगवान की प्रतिमा बहुत ही कम देखी होगी, और मैं थोड़ा नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। पहुंचा हूँ ऋषिकेश मार्केट, और भाई मुझे कुछ काम था तो उसी काम के लिए काफ़ी सारे काम कराने, एक तो अपनी स्कूटी ख़राब हो रखी, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही इसमें, और एक मेरा गैस का चूल्हा जो है वो तो ख़राब हो गया। भाई जी नमस्कार, सर ये लीजिए आपका पार्सल है, और भाई एकदम मस्त नंबर वन काम करते हैं बहुत। मिस्त्री जी नमस्कार यार, इसको थोड़ा देखना था भाई,
मैं भी तो करवा के ले गया था इसको, पता नहीं कैसी आवाज है, चला चला के देखना उसको यार, खिड़ 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 आवाज कर रही है अभी, सब कुछ तो बदला था तो उस टाइम हमने गोली नहीं बदली थी ना, गोली नहीं बदली थी तो गोली की आ रही काहे की आ रही है यार समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े एक राउंड मार दो जरा, क्या बोल रही है, है? गरारी तो मेरे ख्याल महंगी आती है, मुझे ऐसा लग रहा है, यार साढ़े चार हजार, हाँ कितने की, साढ़े चार पाँच हजार की, तुम ब्लॉग में ऐसा आग फैलाएंगे तो कस्टमर तुम्हारे निकल जाएगा, तो वेट करना पड़ेगा यार, अरे यार तो मैं सही बोल रहा, चल काम नहीं चल रहा ना, साढ़े चार पाँच हजार तो ऐसा लग रहा है सुनने में कि जैसे जान निकल रही हो, ना बहुत महंगा बैठ रहा, पाँच से छः हजार रुपये का, चलो जी डायमंड बाबा, कैमरा क्या, हल्का सा बांध दो, थोड़ा बांध दो ना, मैं सब्जी वजी और डालूंगा, मेरा 10 किलो प्याज, एक कट्टा आलू, ये 1750, ढाई किलो देना, ढाई किलो, तो ये हो गई, ये ढाई किलो टमाटर 100 रुपए के, ये हो गई तोरई, अरे वाह मजा आ गया, कुदरती आपको लोगों को भी करना चाहिए थोड़ा बहुत तो आपने ज्यादा ही साफ कर लिया, बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ही गंदा था, अरे वो पराठे का काम है ना, क्यों आजकल काम कम है, जब जब काम चलता था हम बड़ी भट्टी रखते हैं, आजकल काम है ना तो इसी में चल लेते हैं, तो बोला मेरे को कि थोड़ा थोड़ा करके साफ करते रहो तो ज्यादा बढ़ता नहीं लेकिन ये है कि भाई बुरा हाल हो रखा था, भैया ने कुछ ना कुछ कर दिया, देखो ना ठीक है, थैंक यू भैया, कितने हुए फिर, 150, बॉस कितने हुए, 150, देखो प्राइस भी देखो कितना अच्छा है यार, 150, तो चलो दोस्तों अब सीधा निकलना है, पर चूल्हे को कैसे रखें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें टमाटर भी हैं, टमाटर ख़राब ना हो जाए, तो ये अपना सेटअप हो गया, काफ़ी टाइम हो गया बाज़ार में घूमते घूमते, सीधा निकलते हैं, आह दोस्तों ये देखिए फॉल्ट था बहुत छोटा सा, और न जाने कहाँ कहाँ मैं परेशान हो रहा था, लगने थे गाड़ी पे 5,500 रुपये और यहाँ पे फ्री में समझ लो थोड़े से मैं काम हो गया, थोड़ा सा मोबलेल जो गियर बक्से का मोबलेल था उसकी उसका नट खो गया और पूरा मोबलेल निकल गया, उससे गाड़ी हो गई थी एकदम आवाज़ कर रही थी, भाई 100 रुपये में काम बन गया भाई का, थैंक यू सो मच बंटी, तीन टमाटर रखे सब के धरे क्या, ढाई किलो टमाटर खोली काम कर जाना आजकल, क्या है चॉकलेट ना ना मैं कभी खाऊंगा, यहाँ तंजना काम से ना बोनी भी नहीं हुआ, बोनी भी नहीं हुआ आज।